आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और जो भी चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा ताकि हर एक क्लास का अपडेट आप सभी को मिलता रहे। और बहुत दिन से आप सभी ने फॉर्म फिलअप कर रखा है आरआरबी ग्रुप डी को लेकर, उसके बारे में थोड़ा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो निकल कर आया है। क्योंकि आप सभी को पता है सक्सेस की 98 कभी आपको पेपर कटिंग या कहीं का न्यूज़ कभी नहीं दिखाता है जब तक कुछ ऑफिशियल नोटिफिकेशन ना निकल कर आ जाए किसी भी मंत्रालय से। तब एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका निकल कर आया है, आप सभी के लिए मैंने ओपन कर रखा है। ये लोकसभा में जो है वो पीयूष गोयल जो हमारे रेल मंत्री है उनके द्वारा जो है वो रिप्लाई दिया गया है रिटेन में, आप देख पा रहे होंगे। और ग्रुप डी के बारे में जो है वो आप सभी का बताया गया है, पूरा एक एक चीज को जो है वो डिटेल में समझेंगे। यहां पर एक्चुअल में क्या है पहले आप ये देख लो, आप सभी को पता है कि हनुमान बेनीवाल इनके द्वारा लोकसभा में जो है वो मुद्दा उठाया गया था रेलवे के फॉर्म को लेकर। तो इनका कुछ सवाल था सरकार के द्वारा, इनका पहला कहना था कि सरकार को जानकारी है कि आपने एग्जाम निकाला है, आपको उसका एग्जाम जो है वो कंडक्ट करवाना है। दूसरा क्वेश्चन इसका ये था, और उनका ये भी कहना था कि कहीं एग्जाम में देरी तो नहीं हो रहा है, जो आप एग्जाम के लिए पोस्ट निकाले हैं जो बच्चों से आप सभी ने वादा किया है। और दूसरा सवाल यह था अब उनका, इफ सो द डिटेल देयरफॉर व्हाई एंड व्हेन द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट, कब एग्जाम कब होगा। तीसरा था आप सभी का, कितने एप्लीकेंट जो है वो मिले हैं, आवेदन कितने मिले हैं ग्रुप डी के पोस्ट के लिए। तो इन सब की रिप्लाई में पीयूष गोयल ने क्या बताया पहले आप वो देख लो। पहला इनका कहना था देयर इज नो अनड्यू डिले इन रिक्रूटमेंट ऑफ फॉर ग्रुप डी पोस्ट, की कोई जो है वो डिले नहीं हुआ है। तो पहले आप सभी को पता है डिले हुआ है कि नहीं, इसमें जग जाहिर है, ठीक है। अब इनका मोटा मोटी तौर पर यह कहना है जो 18 वाला वैकेंसी निकला था उसकी प्रक्रिया जो है वो अभी तक चल रही है 2020 तक, और कोई देरी नहीं हुआ है, उनका कहना है, उनका ही कहना है। ऊपर से उनका कहना है कि पहले 63,000 सीट के लिए उनके पास जो टोटल आवेदन आए थे वो आए थे आपका 1.89 करोड़, और जो 2019 में टोटल आवेदन आया है वो आया है 1.15 करोड़, और इसकी जांच जो है वो पूरी कर ली गई है। माने समझ रहे हैं, यानी अब जो है, अब देखो सरकार क्या डाटा कलेक्ट कर रही है, कुछ भी बोल दे रही है, यानी जवाब देना है तो कुछ भी बोल देना है। क्योंकि आप सभी को पता है बगल में क्या है, अभी बिहार चुनाव है और बिहार में बेरोजगारी जो है वो चरण सीमा पर है, तो वहां पर जाने से पहले कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा और डेली कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर उनका कहना है 1.15 करोड़ जो है एप्लीकेंट इसके लिए अप्लाई किए हैं 19 वाले के लिए, और इनकी जांच जो है पूरी हो गई है। अभी बगल में एनटीपीसी का भी एग्जाम होने वाला है, आइसोलेट का आपका इसका क्या बोलते हैं ग्रुप डी वाला भी, आइसोलेट कैटेगरी वाला भी, तो कब होगा पता नहीं, लेकिन उनका अभी रिप्लाई ये आया है कि ग्रुप डी के एग्जाम में कोई देरी नहीं चल रही है, और 19 वाले के लिए 1.15 करोड़ एप्लीकेंट रिसीव हुए हैं और उसकी जांच पूरी हो चुकी है, ठीक है। और इसके पहले जो है 1.89 करोड़ जो है वो आप सभी का आवेदन आया था 18 में। यानी यहां से सरकार ये बताना चाह रही है, डाटा कितना सही है वो तो भगवान ही जाने, कि बेरोजगारी भारत में बहुत कम हो गया है, इसीलिए अब जो है आवेदन कम गिरने लगे हैं रेलवे में पहले के मुकाबले। देख रहे हैं ना कि कहां से डाटा कहां पर गिर गया, जबकि इस बार जो है सीट भी ज्यादा है, अच्छा सीट भी ज्यादा है और एप्लीकेंट भी कम गिरे, पहले सीट कम था एप्लीकेंट ज्यादा था। यहां पर डाटा कम से कम पूरा क्लियर होना चाहिए, सरकार कुछ भी बोलने से पहले रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। देखते हैं एग्जाम कब तक कंडक्ट करवाया जा रहा है, कोई भी इंफॉर्मेशन अगर निकल कर आता है तो मैं आप सभी को पक्का इंफॉर्मेशन जो है वो दूंगा, क्योंकि कभी भी पेपर कटिंग मैं नहीं दिखाता हूं, ये प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की तरफ से ऑफिशियली और पीयूष गोयल के द्वारा रिटेन में दिया गया है लोकसभा के द्वारा। तो न्यूज जेन्यून था, ऑथेंटिक था, सो मैंने आप सभी के साथ शेयर किया, ठीक है। अब लाइक करना नहीं करना वो आपके ऊपर है, आपको फेक लगता है तो लाइक डिसलाइक कर दीजिएगा। अदरवाइज मैं ये भी बोलूंगा, आप भी एक बार जाकर
प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। जो न्यूज है वो पेपर कट ही नहीं है, जेन्यून है, ठीक है ना।